वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। आज की क्लास में जो है हम चैप्टर 1 द लास्ट लेसन फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो क्लास 12th पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आज की इस क्लास में आपको चैप्टर 1 द लास्ट लेसन की समरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इजी और शॉर्ट वे में आपके एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने के लिए बेटर रहेगा। तो आप सभी फोकस कीजिए, मैं आपको अच्छे से यहाँ पे बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके, देखिए कहानी जो है एक फ्रांसीसी लड़के फ्रांस द्वारा सुनाई गई है। वह आलसी है लेकिन संवेदनशील है और खेलना उसको बहुत पसंद है। वह फ्रेंच का अध्ययन करना पसंद नहीं करता है और अपने शिक्षक एम हैमल से नफरत करता है। फ्रांस में अल्सास और लॉरेन के अपने ज़िलों पर हावी होने के बाद बर्लिन ने आदेश दिया है कि फ्रांसीसी भाषा के बजाय जर्मन भाषा वहाँ के स्कूलों में पढ़ाई जाए। यह उनके फ्रांसीसी शिक्षक एम हैमल का आखिरी दिन है, जो 40 साल से वहाँ हैं। वह दुख, विषाद और देशभक्ति से भरे हैं। उनकी मेहनत के सम्मान के रूप में गांव के लोग भी उनके अंतिम पाठ में शामिल होते हैं। वे दुखी हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में अपनी मातृभाषा फ्रेंच नहीं सीखी थी। फ्रांस यह जानकर हैरान है कि यह उसका अंतिम पाठ है, क्योंकि वह फ्रेंच नहीं जानता है। अब अचानक वह इसे सीखने में दिलचस्पी लेता है और उस दिन सिखाई गई हर बात को समझता है। वह शिक्षक एम हैमल के लिए एक त्वरित पसंद विकसित करता है और उनकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए उनका सम्मान करता है। वह उससे विदा होने पर दुखी महसूस करता है और प्रतिभागियों के पाठ का पाठ नहीं कर पाने के कारण शर्मिंदा है। एम हैमल उन्हें बताता है कि वे सभी गलती से सीखने के लिए उत्सुक नहीं हैं, इसे अगले दिन के लिए बंद कर दें। वह उन्हें ईमानदारी से ना पढ़ाने के लिए खुद को दोषी मानता है। उनकी देशभक्ति फ्रेंच भाषा के लिए उनकी प्रशंसा में परिलक्षित होती है, क्योंकि यह दुनिया से सबसे सुंदर और सबसे तार्किक भाषा है। वह कक्षा को अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए कहता है, क्योंकि किसी की भाषा के करीब होना गुलामी की जेल से भागने की कुंजी है। यह उन्हें जर्मनों से मुक्त होने में मदद करेगा। वे अपनी मातृभाषा सीखने के महत्व को महसूस करते हैं और उनकी अशिक्षा के कारण उन्हें जर्मनों ने हराया है। फ्रांस को लगता है कि एक व्यक्ति की भाषा को किसी व्यक्ति से दूर करना संभव नहीं है। तो ये था आज आपके चैप्टर 1 द लास्ट लेसन की समरी, जिसको आपने बहुत शॉर्ट वे में समझा है। इस चैप्टर में आपके दो ही मेन कैरेक्टर्स थे, पहला फ्रेंड्स जो कि एक स्कूल बॉय है, दूसरा आपका मिस्टर एम हैमल जो कि एक फ्रेंड्स टीचर है। और मैं आपको इस चैप्टर का थीम भी बता देती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर का जो थीम है वो मेनली यह है, लिंग्विस्टिक चैवनिज्म, जिसका मतलब है इट मीन्स द सेंस ऑफ फीलिंग प्राउड फॉर वंस मदर टंग, यानी हमें जो है अपने मदर टंग के लिए प्राउड फील करना, ये इस चैप्टर का थीम है। लास्टली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, जिससे हमारी सारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।